बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं कुरन शहजाद हूँ, आप लॉ जस्टर देख रहे हैं। अगर आपका कोई मामला सुई गैस के ऑफिस में, वापदा में, नादरा में, पासपोर्ट ऑफिस में या किसी भी वफाकी महकमे में पेंडिंग है और वो आपकी बात सुनने पर तैयार नहीं है तो आप राइट प्लेस पर हैं। आज हमने स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करना है कि मुतसब से आप किस तरह से रिजू कर सकते हैं, किन इदारों के खिलाफ रिजू कर सकते हैं, और अगर आप प्राइमरी पास हैं और मोबाइल यूज कर सकते हैं तो आज की वीडियो देखने के बाद आप फौरी तौर पर अपनी कंप्लेंट फाइल करने के काबिल हो जाएंगे। इसमें हम ये भी देख लेंगे कि कौन कौन सी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपने देनी है। लैपटॉप पर जाने से पहले मैं आपको चंद इसकी चीदा चीदा पॉइंट्स बता देता हूं कि एक तो आपने कंप्लेन फाइल करनी है 3 महीने के अंदर अंदर। इससे पहले कि मुतसब के पास कंप्लेन फाइल करें, आप बेहतर है कि आप उस इदारा जिस इदारे से आपको शिकायत है वहां भी आप एक एप्लीकेशन मूव कर दें। हो सकता है आपके मामलात वो इदारा खुद ही रिजॉल्व कर दे। और आप एनोनिमस कंप्लेन करते हैं फाइल मुतसब के पास और उसमें अपना नाम पता और अपना बायोडेटा नहीं लिखते तो उसके ऊपर मुतसब कोई एक्शन नहीं लेता। डिफेंस मामलात, फॉरेन अफेयर मामलात, सर्विस मैटर अगर आप सिविल सर्वेंट हैं तो, और इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिवाय उनके जो पब्लिक सर्विसेज दे रहे हैं जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उनके खिलाफ आप फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आप फाइल नहीं कर सकते। कंप्लेन लिखते वक्त आपने उसको जितना सिंपल हो सके वो सिंपल रखना है, आसान लैंग्वेज में, आसान जबान में और आसान अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए आपने अपना नाम पता और बाकी कवायद लिखने के बाद सीधा सीधा अपने मसले पे आना है, अपना मसला बयान करना है और जो भी आप चाहते हैं मुतसब से कि आपका हल हो वो हल आपने उसको तजवीज कर देना है, इस्तदा कर लेनी है कि मैं इस मसले का ये हल चाहता हूँ। मुतसब के पास मुकम्मल इख्तियार है कि वो उस इदारे के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, आपके इशू से के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, रिकॉर्ड मंगवा सकता है, अफसर को बुला सकता है, आपको कंपनसेशन दिलवा सकता है, हर्जाना भरवा सकता है आपके इदारे से, और इदारे में जो अफसर आपका काम नहीं कर रहा उसको जुर्माना भी कर सकता है, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए उसको सर्विस से बर्खास्त या टर्मिनेट भी किया जा सकता है। लास्ट एपिसोड में हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि कौन से इदारे, कौन से इंस्टीट्यूशन के किस अमल को आप मुतसब में चैलेंज कर सकते हैं और किन अमल को नहीं चैलेंज कर सकते। इसलिए कंप्लेन फाइल करने से पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे पहले देख लें, ऊपर मैं लिंक लगा देता हूँ आई बटन में, वहां से जाके आप पहले ये देख लें और ये असेस कर लें कि आपकी कंप्लेन उसकी ज्यूरिसडिक्शन में फॉल करती है या नहीं करती। कंप्लेन आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं उनके वेब पोर्टल के थ्रू और मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, फैक्स भी कर सकते हैं, इन राइटिंग भी भेज सकते हैं, बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं और इन पर्सन भी आप वहां पेश होकर वो कंप्लेन जमा करवा सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू देयर वेब पोर्टल। सिंपली आपने अपना वेब ब्राउजर खोलना है और वहां आपने सिर्फ ओम्बड्समैन टाइप करना है। आप सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला लिंक वही आएगा। सर्च करने के बाद पहला लिंक आपके सामने ओपन हो जाएगा, ऑनलाइन कंप्लेंट। इसके अलावा आप स्टेटस ऑफ कंप्लेन और रीजनल ऑफिसेज के एड्रेस भी देख सकते हैं यहाँ से। ये जी आपके सामने फॉर्म आ गया है, इस फॉर्म को आपने सिंपली फिल करना है। इसमें उर्दू में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। सबसे ऊपर है शिकायत की किस्म, जनरल है या किसी बच्चों के मामलात से रिलेटेड है। वो आपकी अगर जनरल है तो जनरल लिख लेंगे, अगर चाइल्ड लेबर या इस किस्म का कोई इशू है तो आप वो लिख लेंगे। कंप्लेन मुतसब की कितनी अकसाम है वो आपको मैं पहले फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूं और नेक्स्ट हम सारे मुतसब के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी शिकायत हमने किस किस मुतसब के पास करनी है। फिलहाल हमारी शिकायत है वफाकी मुतसब से, तो यहाँ हम वफाकी मुतसब सेलेक्ट कर रहे हैं। शिकायत हम अपने रीजनल ऑफिस में फाइल करेंगे, जो भी हमारा रीजनल ऑफिस होगा। ये सारे प्रोवाइडेड हैं यहाँ पे, रीजनल ऑफिस में भी कर सकते हैं, हेड ऑफिस में भी करेंगे तो थोड़ा सा आपका लेंथी प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि हेड ऑफिस भी एट द एंड वो आपके रीजनल ऑफिस को फॉरवर्ड करेगा और उसमें एक दो दिन आपके वेस्ट हो जाएंगे। आपने अपना नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, हस्बैंड का नाम लिखना है, एड्रेस आपका आ जाएगा, उसके बाद आपने अपना सारे वाइफ मुकम्मल पूर कर देने हैं। उसके बाद आपने जो अपनी शिकायत एक हैंड रिटन हो या टाइप करके आपने उसका प्रिंट लिया हुआ होगा, फाइल आपके पास कंप्यूटर में मौजूद होगी, उसको आपने यहां से सिलेक्ट करना है और अटैच कर देना है। यहां से आपने अपनी कंप्लेन को अटैच किया और उसके बाद आपने इसको
देन कंप्लेन अटैच करने के बाद आपने यहां क्लिक कर देना है, जिसका मतलब है कि आप ये अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि आपने इससे पहले कोई कंप्लेन फाइल नहीं की, आपका मैटर किसी अदारे में पेंडिंग नहीं है, अदालत में पेंडिंग नहीं है, और इसके अलावा ये कि आपने उस मुतलका अदारे को भी दरखास्त दी जिसके ऊपर आपका कोई अजाला नहीं किया गया। ये कोड आपने फिल करना है यहाँ पे और उसके बाद आप इसको सेंड कर देंगे। यहाँ आप अपनी कंप्लेन का स्टेटस फर्दन फर्दन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो सूबाई महोत्सव है, टैक्स महोत्सव है, इंश्योरेंस महोत्सव है और हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस का महोत्सव, जायदाद के मामलात में आपने किस महोत्सव से रिजू करना है, ये सारे महोत्सव हम एक्सप्लोर करेंगे। इस पे भी आपको स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग का तरीका बताया जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अलावा